हरियाणा में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। जल्द ही 60,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में चल रही ग्रुप सी व डी की 60,000 की लगभग भर्तियां जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। पहले ग्रुप सी का परिणाम निकाला जाएगा, उसके बाद ग्रुप डी की भर्ती की जाएगी। ये बात उन्होंने भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। चुनावी मोड में जो है पूरा प्रदेश आ चुका है सर, क्या कहिएगा सर, क्या विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवा सकती हैं? स्वाभाविक है, लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद ये समय आता है और 5 साल लोकसभा को भी पूर्ण हो गए हैं और विधानसभा के भी कुछ समय के बाद पूर्ण होंगे। पहले तो ऐसा लगता था कि शायद एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई केंद्र ने या चुनाव आयोग ने किसी प्रकार की कोई इंडिकेशन नहीं दी है। मुझे लगता है कि अपने अपने साथ बड़ी सर जो बिहार में उसको देखते हुए क्या लगता है अभी इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य रहने वाला है? 17 राज्यों में भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्या दिल के टुकड़े हुए, हजार कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस पर रास्ते भटकते फिर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जनता में किसी प्रकार का कोई इस बात का असर है, प्रभाव है। जनता उनको नकार चुकी है, सब नकारे हुए दल अब इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका अस्तित्व बचा रहे, लेकिन जनता समझ चुकी है। और इस देश में अभी बदलाव की जो एक बाहर एक लहर 10 साल से जो लगातार काम हो रहे हैं, जो कांग्रेस के शासन को पलटा दिया था, उस नाते से अब भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट बहुमत का जो शासन है वो केंद्र में भी आएगा, प्रदेश में भी आएगा। हरियाणा में गठबंधन जारी रहेगा सर? देखिए ये रणनीति की बातें हैं, बाद में बताएंगे। सर केजरीवाल आए थे कल जींद, उन्होंने कहा कि बिजली पानी दे दे, रोजगार दे दे, 4-5 वादे पूरे कर दे, वो राजनीति छोड़ देंगे। कोई भी वो राजनीति छोड़े नहीं, उनको छुड़वाने के मेरा कोई इरादा नहीं है, राजनीति करते रहे, जनता उनको नकारती रहेगी, हरियाणा की जनता उनको स्वीकार करती नहीं। सर चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है सर इलेक्शन में? शासन प्रशासन, पारदर्शिता और लोगों की, खास करके जो गरीब समाज है, जो वंचित समाज है, अंत्योदय के नाते से हमारी योजनाएं चल रही है, उसको प्राथमिकता तौर पर आगे बढ़ाएंगे, हर व्यक्ति को मुख्य धारा में आने का अवसर मिले। तो 60,000 भर्तियां पेंडिंग चल रही है, कब तक पूरी होने की संभावना? वो तकरीबन उसका काम पूरा हो चुका है, कभी भी रिजल्ट उसके आ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा ग्रुप सी की 2 परीक्षाएं होनी है, 1 परीक्षा पहले हो चुकी है, दूसरी परीक्षा ग्रुप्स में चल रही है और वो आगे 15-20 दिन में पूरी हो जाएंगी। ग्रुप डी की भी परीक्षा हो चुकी है और चूंकि एक डिमांड थी कि पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला जाए, तो मुझे लगता है कि पहले सी का निकालेंगे ताकि डी में उसके बाद जो लोग सी में सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद डी में सिलेक्शन हो, नहीं तो डी में सिलेक्शन के बाद बहुत से लोग ग्रुप सी में चले जाएंगे, फिर वो पोस्टें खाली होंगी, तो डबल उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसकी बजाय पहले ग्रुप के सी के परिणाम निकले, उसके बाद भी जाएंगे। सर हरियाणा कांग्रेस भी काफ़ी सक्रिय है और आरोप लगा रहे कि राम के नाम पर राजनीति कर रही है। सक्रिय सबको रहना चाहिए, राम के नाम से कोई राजनीति नहीं है, राम इस देश की आस्था है, इस देश की आत्मा है, और जो राम का नहीं है वो कहीं का नहीं है किसी का। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।